राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी पूरे देश में शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में पलटी मार दी है। आखिर वो किस तरह की उन्होंने पलटी मारी है, आज हम बताएंगे हक की बात इरशादुल हक के साथ में। सत्तारूढ़ गठबंधन से पहले विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, इसमें यशवंत सिन्हा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति के पद के लिए। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने की बात कही, जिसकी घोषणा कांग्रेस के साथ मिलकर के की गई और यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार बना दिए गए हैं। इस बीच कल भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है और अब ये लगभग तय है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़े पैमाने पे एक आदिवासी चेहरा के रूप में देख रही है और ये कहा जा रहा है कि आदिवासी महिला को हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए हैं और वो राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन एनडीए के जो घटक दल जनता दल यूनाइटेड है, उसका जो इतिहास रहा है, वो आम तौर पर अपने गठबंधन के विरोध में जा करके वोट करने का रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2012 में जब कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया था, तब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था बिहार में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एकला चलो का अपना नारा दिया और उन्होंने प्रणब मुखर्जी को समर्थन किया एनडीए के खिलाफ जाकर के, और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। दूसरी बार का मामला 2017 का है, जब रामनाथ कोविंद को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। उस वक्त नीतीश कुमार लालू के साथ थे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी सरकार चल रही थी बिहार में, और उस वक्त नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के खिलाफ जाकर के रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के समर्थन में उतर आए थे और उन्होंने उनकी पार्टी ने वोट किया था रामनाथ कोविंद को। उस समय नीतीश कुमार ने यह तर्क दिया था कि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, इसलिए ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि हम रामनाथ कोविंद का समर्थन करें। तो 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए गए थे, उसके पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। इस तरह अब जो तीसरी बार है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और इस बार नीतीश कुमार और उन्होंने फैसला किया है कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी और उनको वोट किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें 2012, 2017, 2022, इन तमाम वर्षों में नीतीश कुमार ने 2012 और 2017 में अपने गठबंधन से इतर जाकर के विरोधी गठबंधन को सपोर्ट किया था, लेकिन यह पहली बार है 2012 के बाद के नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन सहयोगी के उम्मीदवार को यानी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये होता है कि नीतीश कुमार अक्सर ऐसा क्यों करते रहे हैं और इस बार उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी के उम्मीदवार को क्यों वोट देने की बात कही है। 2012 में नीतीश कुमार पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, वो इतने स्ट्रांग थे कि भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी उनको अपने वश में नहीं कर सकती थी, और इसलिए नीतीश कुमार ने ये जताने की कोशिश की थी 2012 में कि हम किसी भी गठबंधन में रहें, अपनी इच्छा से हम किसी को राष्ट्रपति के पद के लिए वोट कर सकते हैं, अपने गठबंधन के दबाव में नहीं। इसी तरह 2017 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर के सरकार बना ली थी बिहार में, तब 2017 में जो चुनाव हुए थे, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को यानी कि यूपीए को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि भले ही हम यूपीए के साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम अपनी इच्छा से किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, और उस वक्त नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार
पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को देश के प्रथम नागरिक के रूप में चुने जाने की घोषणा की है।